अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं मलिका। एक बार फिर से आपका वेलकम है मलिकाए किचन में। तो फ्रेंड्स, आज मलिका के किचन में क्या बनने वाला है? आज ये मैंने जो बनाया है ये है पोहे की कचौरी। तो फ्रेंड्स, फटाफट से ये रेडी होने वाली कचौरी है। कभी भी आप इसको बना सकते हैं, कभी भी आप इसको खा सकते हैं। मेहमान आने पर आप इसको फटाफट से बना के दे सकते हैं मेहमान के सामने। तो फ्रेंड्स, चलिए सीखते हैं कि ये पोहे की कचौरी कैसे बनती है। हाँ तो फ्रेंड्स, पोहे की कचौरी बनाने के लिए ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। तो ये पोहा है, ये मैंने एक बड़े कप से लिया है, और ये मैंने 3 आलू है, इसको मैंने बॉईल कर लिया, इसको मैंने मैश करना है अभी। और ये हरी धनिया है, हरा मिर्च मैंने बारीक काट के रख लिया है, और ये मैंने जीरे को हल्का सा भून के उसको पीस के पाउडर बना दिया है। और ये हींग है, ये रेडीमेड है। और ये जो है ये पंचफोरन है। तो जो फ्रेंड्स पंचफोरन को नहीं समझते हैं तो मैं उनको बताती हूँ, ये 5 इंग्रेडिएंट्स से मिलके जो मसाला बनता है उसको कहते हैं पंचफोरन। तो इसमें सौंफ, मेथी और अजवाइन, कलौंजी या मंगरेल उसको बोलते हैं, और राई, ये 5 चीज़ें मिलके ये बनती हैं। तो इसको भी भून के और इसको देखिए मैंने पीस के इसका भी पाउडर बना लिया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो पहले हम क्या करते हैं कि ये पोहे को और हल्का सा भींगाएंगे, बस कि पोहे ये भींग जाए, इसमें कहीं एक्स्ट्रा पानी ना दिखाई दे, बस इन पोहों को हम भींगा देते हैं। तो चलिए फिर इसको हम शुरू करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, इसको देखिए, बस हम इतना भींगाएंगे कि बस ये पोहे जो हैं वो भींग जाए। ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा पानी रहेगा तो फिर ये इसको हम गूँथेंगे तो ये जो है फिर ये गीला हो जाएगा, बिल्कुल ढीले ढीले हो जाएंगे। तो इसको बस हम इतना करते हैं कि ये भींग जाए। ये देखिए, इसको मैंने अच्छे से इसको भींगा लिया है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद में इसको हम गूंथ लेंगे। ये देखिए, मैंने इसको आलू को ये मैश कर लिया है, और इसमें अब हम ये हम इसमें थोड़ी सी जो है ये धनिया ऐड करेंगे, इसमें 1 चम्मच ये ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, और ये थोड़ा सा आधा चम्मच इसमें हम ये हींग ऐड करेंगे, ये हरी मिर्च हमने जो काटी थी ये इसमें हम डाल देंगे, और ये थोड़ा सा जो है ये आधा चम्मच बस ये हम डालेंगे पंचफोरन का पाउडर, और ये इसमें अब हम ऐड करते हैं नमक। इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए, ये अब अच्छे से मैश हो चुका है। हाँ तो फ्रेंड्स, देखिए अब इसको जो है हम हल्का सा पानी डाल के इसको हम गूंथ लेंगे। हम बाद में पानी ऐड कर लेंगे, पहले इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे, वरना मौसम गीला हो जाएगा। हाँ तो फ्रेंड्स, देखिए इसको हम ऐसे दो बना रहे हैं, इसको थोड़ा और हम गूंदेंगे। अब ये देखिए, एक में ये आटे की शक्ल में ये आ गया है हमारा पोहा। तो इसमें हम ये डाल देंगे थोड़ा सा ये कलौंजी जिसको मंगरेल बोलते हैं, और ये अजवाइन आधा चम्मच, और इसमें हम हल्का सा नमक भी ऐड कर देंगे ताकि ये जो है ऊपर का जो है ये नमकीन थोड़ा सा लगे, नहीं तो ये फिर पोहा एकदम सादा सादा लगेगा। अब इसमें हम चाहें तो और पानी डाल के इसको हम गूंथ सकते हैं, अगर पानी की ज़रूरत नहीं है, ये मुलायम है, तो आप इसको ऐसे ही गूंथ सकते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, देखिए अब ये बनके डो हमारा रेडी है। अब इसमें हम थोड़ा सा मैदा इसमें डालेंगे, और अब हम इसको गोल गोल इसकी लोइयां बनाएंगे, और ये बहुत आसानी से बन जाती हैं। इसको थोड़ा सा हम चपटा सा ये आकार देंगे,
ताकि इसमें हम जो स्टफिंग है वो हम फिल कर सकें। फिर इसको फ्रेंड्स हम इसका मुंह ऐसे करके इसको बंद कर देते हैं, और इसको हम कतई बेलन से इसको नहीं बेलेंगे वरना ये फट जाएगा। इसको हम हाथ से ही थोड़ा थोड़ा प्रेस करके इसको हम चपटा कचौरी का आकार देंगे और ये बहुत आसानी से ये हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स ये कितने अच्छे से, तो हम ऐसा ढेर सारा तैयार करके फिर उस... हाँ तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने ढेर सारा इसको बना के रेडी कर लिया। अब इसको हम डीप फ्राई करते हैं, तो चलिए फिर इसको हम डीप फ्राई करके देखते हैं कि ये कैसा बनता है। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए अब ये आयल भी गर्म हो चुका है, तो अब इसमें हम डालते हैं। बहुत हाई फ्लेम पे नहीं इसको फ्राई करेंगे, बस मीडियम पे इसको हम फ्राई करेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए आप, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं मुझे। ये देखिए फ्रेंड्स ये अब धीरे धीरे जो है ये गुलाबी होने लगी है। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए अब ये बन चुका है। देखिए ये इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा कलर इसका आया है और कहीं से ये फटा भी नहीं है और ना इसका स्टफ जो है वो भी कहीं बाहर नहीं आया है। तो ऐसे ही हम और बाकी जितने भी हैं उसको सारे को हम डीप फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए पोहे की कचौरी बनके रेडी है, और आप इसको कभी भी बना सकते हैं, फटाफट से रेडी होने वाली ये डिश है। तो कभी भी आपके घर अचानक से मेहमान आ जाएं तो आप इसको बना सकते हैं, बच्चे जिद करते हैं तब भी आप इसको बना सकते हैं, सुबह के नाश्ते में, शाम के नाश्ते में कभी भी आप इसको बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार घर पर आप ट्राई जरूर कीजिएगा, और बहुत आसान ये रेसिपी है और फटाफट से बनने वाली है। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।